सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट के द्वारा साईं हॉस्पिटल के सभागार में राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागी को अपने विचार भी रखने का मौका दिया गया। पुष्प अर्पित कर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। साथ ही सभी प्रतिभागियों को अतिथि के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से हुई। अतिथि प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामेश्वर सिंह और विशिष्ट अतिथि मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एहतसाम अहमद थे। डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने संघर्ष को सफलता का आधार बताया। डॉक्टर के एहतसाम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। सद्भाव और प्रेम ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। शिक्षाविद गणित दत्त पाठक ने कहा कि सकारात्मकता और आत्मविश्वास का भाव ही स्वामी विवेकानंद की सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। आए हुए सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी बच्चे ने अपने अपने विचार भी रखे। अतिथिगण ने अपने विचार में उपस्थित युवाओं को मार्गदर्शन और प्रेरणा भी दिया। कार्यक्रम का संचालक संतोष मिश्र ने किया। इस अवसर पर अवनीत कुमार, नाहिद, नीतीश, सचिन, चंदन, सन्नी, सानू, मनीष, सुयंश, सुयांशा आदि उपस्थित थे। बहुत अच्छा लगा, जिसमें जो खूबियाँ थी वो नजर आई। कहते हैं कि जहाँ भी रहता है रोशनी फैलाता है, किसी शरार का अपना मकान नहीं बना। किसी भी कार्यक्रम की शोभा तब बढ़ती है जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, और ये भीड़ इस बात की गवाही है कि कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है और आप सभी के सहयोग से। पहले तो हमारे जो और यहाँ पे अवनीश सर आए हुए थे, और सबसे ज्यादा मैं खुश अवनीश सर से है, क्योंकि आज अपने बच्चे को लाकर ये बता दिए कि शिक्षक का काम सिर्फ लोगों को शिक्षा नहीं देना होता है, बल्कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाना होता है। तो हम बहुत सारे लोग रोवा जो होता है वो खड़ा हो गया था, क्योंकि बच्ची ने बताया, और बच्ची से काफी प्रभावित हुए कि बच्ची से पता चल रहा है कि आज भी हमारे आसपास कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जिंदा है और घर में मौजूद है, जो हमारे समाज को हमारे देश को बेहतर बनाना काम किया है। क्योंकि बहुत सारे प्रतिभा हमारे आसपास होते हैं, इनको मंच नहीं मिल पाता है जो अपने प्रतिभा को बेहतर रूप से दिखा पाए, क्योंकि बॉम्बे दिल्ली की सिवान क्या है, ये डॉक्टर हरि प्रसाद की भूमि है। तो बच्चे जानते हैं कि ये जगह कैसे, यहाँ पे आने के बाद में क्या मिलेगा। बच्चे को मिला भी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे गुरु थे, और गुरु से बड़ा ज्ञान कोई देने वाला नहीं होता है। All you know, strength is life, weakness is death. My name is Alokita Kumari. I am a girl. I read in class UKG. I am 7 years old. I live in Sivan. My father name is Anand Singh. My mother name is Shanti Devi. My brother name is Akshat Tipya Kriti. My sister name is Akriti Kumari. Maninya Atithi Mahatya Adarnya Sikshakar Adarnya Chikitsakar Adarnya Abhimavakar. Even mere saare bhaiyo aur bahno, aap sabhi ko chan spar pranam aur pranam. पहले आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। मैं तो मैं क्यों नहीं चाहते अपने भीतर खुद से आप पूछ लें।